हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग माय डियर क्लासमेट एंड वाचिंग दिस वीडियो एंड चैनल। माई सेल्फ अजय कुमार यादव, MSc सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी इन गवर्नमेंट लरंग साहब पी जी कॉलेज रामानुजगढ़, एफिलेटेड टू संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़। टुडे इज ए लेक्चर सीरीज ऑफ जेनेटिक। आई विल डिलीवर माई टॉक टू मल्टीपल एलील। हेलो फ्रेंड, आज हम जिस वीडियो की बात करने वाले हैं वह है मल्टीपल एलील। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम मेरे सेमिनार प्रेजेंटेशन में। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से फ्रेंड पर लिखना चाहिए। तो सबसे पहले अपना कॉलेज का नाम लिखें तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी से हम अपना स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में लिखना चाहिए। उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट का नाम होना चाहिए। उसके बाद हम किस क्लास में पढ़ते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब ऊपर से नीचे, हायर से लोअर की ओर हम लिखें तो बेहतर रहेगा। उसके बाद लिखना चाहिए सेमिनार टॉपिक, जैसे कि मेरा है मल्टीपल एलील, मेरा टॉपिक जो है मल्टीपल एलील। तो लेफ्ट साइड लिखना है आपको गाइडेड बाय, जिसे आपको मार्गदर्शन मिला है, तो उनका नाम होना चाहिए। उसमें मैं लिखा हूँ प्रोफेसर योगेश कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जूलॉजी डिपार्टमेंट के, और किसके द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है उसके बारे में लिखना है। तो इसमें देख सकते हैं आप, और मेरा सेमिनार टॉपिक इस प्रकार से मल्टीपल एलील टॉपिक है मेरा। कंटेंट कुछ इस प्रकार से है, ये सीक्वेंस थोड़ा सा अल्टर हो गया है। तो पहला टॉपिक देखते हैं इंट्रोडक्शन, उसके बाद है डिफिनीशन, उसके बाद थर्ड में है करेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीपल एलील, लक्षण बताना है कि मल्टीपल एलील के कितने प्रकार के लक्षण हो सकते हैं, उसके फीचर क्या क्या हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। उदाहरण ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लगभग 8-9 प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं, बट इसमें मेनली 2 टाइप्स के एग्जाम्पल का जिक्र किया गया है, जैसे कि एबीओ ब्लड सिस्टम हमारे बॉडी ह्यूमन बॉडी में होता है। यहाँ देख पा रहे हैं कि आप एग्जाम्पल में एबीओ ब्लड सिस्टम जो है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद कोट कलर इन रेबिट, मतलब कि चूहों के बाल जो होते हैं उनके कलर किस किस प्रकार से हो सकते हैं, कौन कौन से कलर के होते हैं और क्यों होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद कॉज ऑफ मल्टीपल एलील, तो मल्टीपल एलील क्यों उत्पन्न होते हैं और कैसे उत्पन्न होते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में हम इसके कारण जानेंगे। और उसके बाद है कंक्लूजन, निष्कर्ष, जो हमारे संपूर्ण अध्ययन के उपयोग जितने भी अध्ययन किए गए उसके बारे में निष्कर्ष जान सकते हैं। रेफरेंस बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा रेफरेंस के बारे में। तो देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एलील होते क्या हैं। तो एलील किसी भी जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, अर्थात एक जीन अधिकतम मेंडेलियन साल देखें तो एक जीन के 2 रूप हो सकते हैं, जिसे एलील कहते हैं। एलील आर द पेयर ऑफ जीन्स एक्विपिंग ए स्पेसिफिक स्पॉट कॉल्ड लोकस ऑन ए क्रोमोजोम। एलील एक जीन के, मतलब क्रोमोजोम में एक ही लोकस पे, यानी कि लोकस मतलब होता है कि एलील या जीन क्रोमोजोम के जिस स्थान पे पाया जाता है, अर्थात जीन गुणसूत्र के जिस स्थान पे पाया जाता है उसे लोकस कहा जाता है। देयर आर ओनली 2 एलील फॉर ए जीन इन ए डिप्लॉयड जीन। जो डिप्लॉयड जीव होते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर सिर्फ 2 प्रकार के ही एलील पाए जाते हैं, मेनली जो है कि 2 प्रकार के एलील पाए जाते हैं। व्हेन देयर इज अ जीन एक्साइटिंग इन मोर देन 2 एलील फॉर्म, दिस कंडीशन इज रिफर टू एस मल्टीपल। देखिए बात वही है, जैसे कि मेंडल की नियम के अनुसार देखें तो एक जीन के 2 एलील हो सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश यदि 2 एलील से ज़्यादा एलील हों, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, जानेंगे, आपको बताएंगे कि मल्टीपल एलील कैसे होते हैं। तो सपोज करिए कि यदि एक जीन के 2 से ज़्यादा एलील हो, इस कंडीशन में हम कह सकते हैं बहुविकल्पी एलीलिज्म, यानी कि बहुविकल्पिता कह सकते हैं या मल्टीपल एलील कह सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं डिफिनीशन की बात करें तो मल्टीपल एलील की डिफिनीशन कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। यह है मल्टीपल एलील के डिफिनीशन है, एन एलील ऑफ ए जेनेटिक ऑफ ए जेनेटिक लोकस हैविंग मोर देन 2 एलील फॉर्म विथ इन ए पॉपुलेशन।
जो गौर करिएगा कि यहाँ ये पॉपुलेशन वर्ड जो है ये मल्टीपल एलील के बहुत ही महत्वपूर्ण कहें तो माना जाता है, जैसे कि इसका एक स्थान है कहें तो मल्टीपल एलील का लोकेशन कहें तो मल्टीपल एलील का पॉपुलेशन पर निर्धारण होता है। और एन एल जैसे कि डिफिनेशन देखते एन एलील ऑफ है जेनेटिक लोकस हैविंग मोर देन टू एलील फॉर्म विथ इन ए पॉपुलेशन, मल्टीपल एलील हमेशा पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, एक ही जीव में दो से ज़्यादा एलील नहीं पाए जाते हैं। इसलिए किसी स्पीसीज हो गया किसी विशेष क्षेत्र समुदाय को संपूर्ण जनसंख्या के आधार पर देखें तो उसमें मल्टीपल एलील पाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से मल्टीपल एलील होगा का डिफिनेशन होगा। और इसका लक्षण की बात करें तो मल्टीपल एलील हमेशा एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, देख सकते हैं वर्ड में विशेष ध्यान दीजिए, वन मिनट। मल्टीपल एलील आर ऑलवेज द सेम लोकेशन लोकस इन द क्रोमोसोम, लोकस जैसे पिछले बार में बताया था कि लोकस क्रोमोसोम का एक स्थान है जहाँ पर जीन पाए जाते हैं या एलील पाए जाते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर, चूँकि मल्टीपल एलील में क्रॉसिंग ओवर क्रिया नहीं पाई जाती है, और मल्टीपल एलील ऑलवेज इफेक्ट ए सिमिलर करेक्टर, आई कलर, आई शेप, व्हील टाइप इज ऑलवेज डोमिनेंट टू ऑल अदर द सेम लोकस। मल्टीपल एलील्स हमेशा समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि आई कलर मतलब आँखों का रंग, और आँखों के रंग में इसमें कैट हो एलील हो सकते हैं, जैसे एक जीन का कैट हो थ्री या थ्री मोर देन थ्री हो सकते हैं। और तो हमारे मनुष्य जाति में मतलब कि कई कलर का आँख होते हैं, तो उसी बारे में जब बताया गया है इसमें आई सेफ हो गया, तो सभी मनुष्य का आँख का आकार एक ही जैसे नहीं होते हैं, सभी का आकार अलग अलग होते हैं, तो उनका एलील भी अलग अलग होंगे। ओके, तो वाइल्ड टाइप इज ऑलवेज डोमिनेंट टू ऑल अदर, जो जंगली प्रकार के होते हैं वन्य प्रकार के एलील होते हैं वो अन्य एलील के प्रभाव से अन्य एलील के ऊपर प्रभावी होते हैं। एक तरह से कहें तो वाइल्ड टाइप के एलील से ही अन्य प्रकार का एलील बनते हैं, जैसे कि नेचुरल कलर, जैसे कि रेबिट में नेचुरल कलर है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं एग्जांपल देखते हैं एबीओ ब्लड सिस्टम। तो एबीओ ब्लड सिस्टम में ब्लड ग्रुप को निर्धारित करने के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप हो सकते हैं तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो ब्लड ग्रुप ए को निर्धारित करने वाले जीनोटाइप आई, सबसे पहले हम ए बी से यहाँ देखें तो ब्लड ग्रुप ए को कौन निर्धारित करता है, कितने टाइप के एलील होते हैं, तो आई ए या तो आई स्मॉल आई, इसमें किसी एक को लिख सकते हैं, या तो इसे लिख सकते हैं या तो इसे लिख सकते हैं। इसमें जीन आई जो है कि स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट है, तो इसमें ये ब्लड ए टाइप का होगा। और बी की बात करें तो इसमें जीन आई और जीन आई का पावर बी और आई का पावर बी, इस प्रकार से इसके दो एलील होंगे। और आई का पावर बी और स्मॉल आई, इसमें भी आई स्मॉल आई के ऊपर आई बी प्रभावी होगा। और ए बी ब्लड ए बी टाइप की बात करें तो इसमें आई ए और आई बी, इसमें दोनों अपना समान प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। ये ब्लड ए बी ग्रुप जो है स्व प्रभाविता का बहुत अच्छा उदाहरण है। एक कोडोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल है। और ब्लड ग्रुप ओ के बारे में हम यदि बात करें तो इसमें विदाउट एंटीजन, बिना एंटीजन मतलब शुगर प्रोड्यूस नहीं करने वाले जीनोटाइप पाए जाते हैं। इसमें डबल स्माइल आई है, दोनों रिसेसिव प्रकार का एलील हैं इसमें। और इसमें बात करें तो एक डोमिनेंट प्रकार का और एक रिसेसिव प्रकार का है, और इसमें एक डोमिनेंट है और इसमें एक रिसेसिव है, इसमें एक डोमिनेंट है और इसमें भी एक रिसेसिव है, और इसमें दोनों हाफ हाफ अपने अपने अनुसार डोमिनेंट हैं। आई ए भी डोमिनेंट है और आई बी भी डोमिनेंट है। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन उपस्थित नहीं होते हैं, और ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी पाया जाता है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन ए पाया जाता है, और ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक, ओके। कोड कलर इन रैबिट, कोड कलर इन रैबिट की बात करें तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है ऑफ मल्टीपल एलील्स।
तो ऊपर के रो में दिया गया है कॉलम, एक कॉलम मान सकते हैं, एक चार कॉलम है इसको रो मान सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है एलील के जीन्स दिए हुए हैं और जीन्स एलील दिए हुए हैं और इनके जीन दिए हुए हैं जीनोटाइप। तो कौन सा जीनोटाइप कौन से कलर को निर्धारित करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो एलील जो जीनोटाइप सी सी टाइप का होता है तो वाइल्ड टाइप का फिनोटाइप हमें देखने को मिलता है, और जो सी सी एच प्रकार का होता है तो हमें चीन चीला ब्लैक टाइप काला टाइप का। इससे कुछ प्रभावी इससे इसके ऊपर वाइल्ड टाइप प्रभावी होगा, चीन चीला रिसेसी होगा, और सी एच जीनोटाइप का बात करें तो जो फिनोटाइप को निर्धारित करेगा हिमालयन प्रकार के रेबिट को दर्शाएगा। उसके बाद स्मॉल सी जिन जो है एल्बिनो प्रकार का फिनोटाइप प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से इसे एलील सीरीज की दृष्टि से भी देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट में दिखाया गया है वाइल्ड टाइप दिखाया गया है, उसके बाद चिंचिला प्रकार के, उसके बाद हिमालयन प्रकार के, उसके बाद एल्बिनो प्रकार के। तो इन तीनों का बात करें तो इन तीनों में सबसे प्रभावी होगा ये डोमिनेंट, ठीक, ये सबसे सबके ऊपर डोमिनेंट है। और यदि इसको छोड़ दिया जाए तो ये चिंचिला जो है ये दोनों के ऊपर डोमिनेंट होगा, ये दोनों रिसेसिव होगा। उसके बाद इसी तरह से हम देख सकते हैं कि हिमालयन प्रकार का रेबिट के बारे में बात करें तो एल्बिनो के ऊपर इसके ऊपर ये रिसेसिव हो जाएगा और ये डोमिनेंट हो जाएगा। इसी प्रकार के एलील सीरीज में हम भी अध्ययन करते हैं इसी एग्जांपल से कोट कलर इन रेबिट। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं कि वास्तव में मल्टीपल एलील उत्पन्न कैसे होते हैं। तो मल्टीपल एलील का मेन रीजन है म्यूटेशन। म्यूटेशन इज कंपलसरी रीजन फॉर वेरिएशन टू मल्टीपल एलील। ये मतलब कि म्यूटेशन उत्परिवर्तन जो है कि एकदम सिंपली है कि मल्टीपल एलील को उत्पन्न करता है, इससे विभिन्नता भी उत्पन्न होता है। किसी भी जनसंख्या में म्यूटेशन होता है तभी जाकर के मल्टीपल एलील बन सकते हैं। तो कंक्लूजन देखते हैं, सेम होगा कि एक पॉपुलेशन में पाया जाने वाला एलील है और पाया जाने वाला एलील है तो दो से ज़्यादा यदि पाया जाता है तभी हम उसे कह सकते हैं कि मल्टीपल एलील होगी या मल्टीपल एलील की संभावना होगी। और क्रोमोजोम के ऊपर ये कहीं गुणसूत्र पर पाए जाते हैं और वंशागत होते हैं। लोकस बार बार लोकस शब्द आ रहा है, इसको ध्यान देने वाली बातें हैं कि लोकस क्या चीज़ होता है। और एलील जो है डिफरेंट रिलेशनशिप को प्रदर्शित करता है, मतलब कि एक एलील जो है कई प्रकार के नहीं तीन से ज़्यादा प्रकार के लक्षण को प्रदर्शित करता है। जैसे कि चिंचिला पिछले चैप्टर में जैसे पढ़ा था लोग डिफरेंट इसमें है, डिफरेंट मतलब कि बहुत सारा आ जाएगा आपका, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट का कलर है। इसका कलर डिफरेंट है, इसका कलर डिफरेंट है, इसका कलर डिफरेंट है ना, ये वाइट है, ये कुछ ब्लैक एंड वाइट है, ये ब्लैक एंड टाइप से है, ये वाइल्ड टाइप का है। तो हर फिनोटाइप का अलग अलग कलर का होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। थैंक यू सो मच।